बिहार आईटीआई 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म आने के बाद काफ़ी बच्चों का पूछना है कि सर इस बार की जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या रहने वाली है, यानी हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। सर इस पर एक वीडियो बना देते तो बहुत अच्छा रहता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो बिहार आईटीआई 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि इस बार की सिलेबस क्या है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किन किन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, यानी गाइड कौन सी बेस्ट रहेगी, प्रैक्टिस सेट कौन सा बेस्ट रहेगा, पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक लेनी होगी, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बिहार आईटीआई सिलेबस 2023 की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे गणित से यानी मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। अब देखिए साइंस में बात करें यानी विज्ञान में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो ये 100 मार्क्स का हो जाता है। बात करेंगे जनरल नॉलेज यानी जीके, तो जीके से भी जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है, 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो यहाँ से 150 क्वेश्चन हो जाता है और ये 150 क्वेश्चन जो है ये 300 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो सर कि यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन जो है वो कितना मार्क्स कैरी करेगा, 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा सर। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 150 क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स से होंगे, तो 150 में 2 से गुना कर देना है तो यहाँ पे जो है 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। अब बात यह आता है कि सर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितना मार्क्स तक लाना होता है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे 300 में से यहाँ पे अगर 220 प्लस भी मार्क्स लेकर आते हो तो यहाँ पे आपको आपका मनपसंद ट्रेड मिल जाएगा आपके मनपसंद कॉलेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे 220 प्लस मार्क्स लेके आते हो, दैट विल बी सफिशियंट। अब बात करेंगे कि सर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। तो बच्चों टॉपिक्स को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बुक बता देता हूँ कि कौन से बुक को आपको लेना चाहिए, यानी मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि कौन कौन बुक को आप फॉलो कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन बैंक के लिए, क्वेश्चन बैंक यानी अगर आपको 2002 से 2022 तक का पीवाईक्यू चाहिए, है ना सर, अगर आपको 2002 से 2022 तक का पीवाईक्यू चाहिए तो आप लोग इस यूनिक पब्लिकेशन के बुक को ले सकते हो। ठीक है, ये स्पेशली जो है क्वेश्चन बैंक है, यानी इसमें जो है आपको केवल पीवाईक्यू दिया है, पीवाईक्यू। ठीक है, तो 2002 से 2022 तक का दिया गया है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस वर्क बुक भी दिया है, यानी कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बुक को ले लो, काफ़ी अच्छी बुक रहने वाली है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो है अगर आपको गाइड चाहिए तो गाइड भी जो है आप इसी पब्लिकेशन का ले सकते हो, यानी बिहार आईटीआई गाइड सा हल प्रश्न पत्र, यानी ये भी जो है गाइड रहने वाला है और इसमें साथ ही साथ पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। तो ये तो और अच्छी बात है बच्चों, गाइड के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे देखो ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे पीवाईक्यू भी दिया गया है 2002 से 22 तक का। तो मैं तो कहूँगा सिर्फ यही ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप ये यूनिक पब्लिकेशन का ले लेते हो, देखिए 2023 वाले छात्रों के लिए बनाया गया है, स्पेशली लिखा भी हुआ है 2023 परीक्षा हेतु, तो आप इसी को ले लो। देखिए गाइड भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको हल प्रश्न पत्र भी मिलेगा, यानी पीवाईक्यू भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2002 से 2022 तक का। ठीक है, इसे ले लो। और यदि इतना कर लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तो इसके लिए जो है आप स्पार्क का ये क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ प्रैक्टिस वर्कबुक भी ले सकते हो। स्पार्क भी बहुत अच्छी पब्लिकेशन है, ठीक है, तो ये भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में। ठीक है सर, यहाँ अब देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, यानी इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए बच्चों इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैथमेटिक्स में इतने टॉपिक्स दे रखे हैं 26, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। अगर आप 10-12 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, ईजिली आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, तो देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, इसके बाद जो है आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सीधे आ जाना है मेंसुरेशन पे, पॉलिनोमियल पे यानी बहुपद पे। ठीक है, इसके बाद जो है नंबर सिस्टम से एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद परसेंटेज से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आप इतने टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ लेना है, बस इतने अगर टॉपिक कर लेते हैं तो आपका जो है एकदम आप मैथ वाले सेक्शन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
ठीक है, आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहेगा मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। जीके की बात करें तो बच्चों जीके में जो है आपको फेमस बुक एंड ऑथर इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, ज्योग्राफी, और इसके बाद जो है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक जीके पढ़ लेना है, बेसिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूट्यूब पे आपकी क्लास भी चलाई जा रही है ना दोस्तों, क्लास भी चल रहा है, सर अजीत सर जो है आपको जीके पढ़ाते हैं, तो बस उनका क्लास जो है आपको रेगुलर करना है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद जो है इंडियन पॉलिटिक्स में भी आपको वही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, बस इतना कर लो, सफिशियंट है, ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस दिया है ना उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो है देखिए फिजिक्स में बात करें, फिजिक्स में आपको यहाँ पे मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेट से, हीट से, और इसके बाद जो है बस हो गया, इतना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में जो है आपको बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और धातु से क्वेश्चन एक आध पूछ लेता है, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक आध क्वेश्चन रहेगा, केमिकल रिएक्शन यानी प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया से रहेगा, और उसके बाद बस सॉल्यूशन से एक आध क्वेश्चन रहेंगे, बस इतना पढ़ लोगे। अगर इतना पढ़ लेते हो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप जो है अपने एग्जाम में बेस्ट देके आओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा उन सभी छात्रों के बारे में जो अभी हाल ही फिलहाल बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं लेकिन उनकी तैयारी 1% भी नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है आप कम समय में अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग जो है हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ना आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, तो आपको हमारा ऐप स्टडी विद रितेश इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना होगा, पेड कोर्स में जाने के बाद जो है आप लोग को वहाँ पे बिहार ITI अर्जुना बैच शो होगा, बिहार ITI अर्जुना बैच 2023 शो होगा, तो आप उस बैच को परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।